हेलो दोस्तों, आप लोग अपना दोस्त सुनो। आज वॉच मिलने वाले माइनक्राफ्ट, लेकिन 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 आज मैं कोई नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं खेलने वाला हूँ। आज मैं ट्राई करने वाला हूँ माइनक्राफ्ट 1.21 का कुछ क्रिएटिव। और अभी भी भाई मैं कोई एरेगेरे वर्ल्ड में नहीं हूँ। मेरे पीछे एक बहुत ही बड़ा माउंटेन, उसके सामने एक है ये विलेज, जो है सवेना विलेज, आई थिंक बोलते सवेना बायोम का विलेज। ओके ठीक है, यहाँ पर देखो। और यहाँ पर नीचे भाई एक शिप भी है, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया। शिप ही बोलते हैं नहीं, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया। मतलब ये पूरा जो है ना, ये क्या अंदर क्या बोलते हैं इस सी के अंदर, इसको क्या, अरे भाई कार्ड फिनिशिंग है, कौन लेगा। मेंडिंग है बहुत ही बढ़िया, लेकिन लेदर का कुछ किसी को ही चाहिए होगा, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पर भाई और है क्या, जो मैं बोल रहा था इस सी के अंदर जो है ना, इसको क्या बोलते हैं मैं भूल गया। ओ भाई, इसके अंदर बहुत ही बढ़िया सामान है भाई, लेकिन मैं तो क्रिएटिव हूँ, मैं क्या करूँ। लेकिन बोतल ऑफ एंचेंटिंग मैं ले लूँगा, इसे मेरे को एक्सपी मिलेगा। फिर भी मेरे को क्या चाहिए, क्यों चाहिए, मैं तो क्रिएटिव भी हूँ ना। तो यहाँ पर देखो भाई, ये पूरा गांव है। रुको रुको भाई, घर में जाके देखते हैं कि यहाँ पर विलेजर भी रहते हैं क्या। यहाँ पर जाते हैं, ओ वेट वेट, अभी आवाज़ आया। और ये लाइब्रेरी है, अरे भाई ये लाइब्रेरी का घर, ऐसा भी होता है मेरे को पता ही नहीं था। यहाँ पर थोड़ा थोड़ फोड़ करके जाते हैं। ओ भाई फिर से आए, देखो यहाँ पर रहते हैं भाई, क्या हाल है तेरा। रुको, ओ भाई कितना बड़ा लिया भाई, रुक थोड़ा एक्सपी ले ले, थोड़ा एक्सपी ले ले। ये लोग एक्सपी होता है क्या, अरे अरे नहीं नहीं, इनके एक्सपी तो नहीं हो रहा, सिर्फ मेरा ही हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, इसमें वो एक बच्चा है, इसको थोड़ा मारते। अरे अरे भाग, रुको इसको नीचे दफन कर लेते। ओके ओके, ये नीचे भाई फंस गया, अभी कैसे आएगा ऊपर। और एक मार लेते भाई, इसको मैं पहले सिर्फ मारने वाला था ठीक है, लेकिन अभी भागना चाह रहा था इसलिए मैंने इसको मारा। और अभी मैं बुलाऊंगा ज़ोंबी को, तो यहाँ पर मैंने ज़ोंबी को स्पॉन कर दिया। और यहाँ पर अभी मरेगा ये, अभी 100% मरेगा, और कुछ ही हेल्थ बाकी है और मर गया, बहुत ही बढ़िया। अभी भाई मैं यहाँ पर लाता हूँ वो विलेजर। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो, ज़ोंबी वर्सेस विलेजर का फाइट चल रहा है, लेकिन विलेजर सिर्फ मार ही खा रहे हैं ठीक है, और ज़ोंबी सिर्फ मार ही रहा है। मैंने सोचा था भाई यहाँ पर आयरन ग्लोन स्पॉन होगा, लेकिन आयरन ग्लोन स्पॉन ही नहीं हो रहा। और यहाँ पर ये लोग भाई बहुत ही समय लगा रहे हैं मरने में, तो मैं ही लावा से मार दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखो भाई, इस पहाड़ के इस बीच में कैसा घट्टा है, इसमें जाती हूँ भाई। यहाँ पर बहुत ही सारे मॉब्स है और बहुत ही सारे आयरन भी है ठीक है, कोई नहीं। ओ भाई ऊपर भी घर है, विलेजर यहाँ पर भी रहते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो चलो थोड़ा तोड़फोड़ कर लेते हैं। और देखो भाई, मैंने उन लोगों को वहाँ पर मारा है, और ये बंदा यहाँ पर स्पॉन हुआ है, बहुत ही बढ़िया। इतने देर कहाँ पड़ता, ओह भाई केट इतना एज में, इसको चलो गिरा देते हैं ठीक है, मार दिया। और देखते हैं ये तो मारे गायब ही होगा, रुक रुक जाते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है, मर तो गया होगा। ये कैसे हुआ भाई, ये केट अब तक जिंदा कैसे है। ये तो भाई स्पाइडरमैन निकला, ओ सॉरी स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर केट निकला, मैं क्या बोल रहा हूँ, स्पाइडर केट ठीक है। लेकिन कोई नहीं, इसको भाई यहाँ पर नीचे कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो ये भाई यहाँ पर देखो, ये एक विलेज है, और यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है और कुछ नहीं है। और मैं क्यों कर रहा हूँ मेरे को पता नहीं, लेकिन कोई नहीं, बहुत ही सुंदर ही है। देखो दूर से भी देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, और आसपास सिर्फ पानी ही पानी है, लेकिन थोड़ा दूर लैंड भी है। लेकिन यहाँ पर देखो भाई, ये सिर्फ यही है ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर भाई सवेना बायो में, और वहाँ पर आई थिंक फ्लिन बायो में है, मेरे को पता नहीं, लेकिन जो भी हो। तो अभी यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट सीड। ओ भाई कितना सुंदर है, इतना बड़ा पहाड़ और बीच में एक विलेज, प्रोटेक्टेड विलेज नाम है इसका, बहुत ही बढ़िया। और वेट, ये वीडियो है स्टोफिंस भाई का, तो यार इनका चैनल, तो बी शॉट आउट टू तो फिंग्स भाई, शर्ट दे दो। रुको इनको हिंदी आती भी है क्या, रुको देखते हैं ये कौन से देश है। ये देखो गाइस, ये फ्रांस है, तो रुको मैं इनको फ्रांसी भाषा में बोलता हूँ। तुम लोग बोलो तो मेरे को फ्रांसी कैसे आता है, मेरे को नहीं आता, रुको मैं ट्रांसलेट करके बताता हूँ। तो ये पर बता रहा है, बोलना है कि स्टोफिक्स मैक फाइस मियो सिग्ने, मेरे को पता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है, देखते हैं इनकी भाषा में कैसा है। स्टोफिक्स मैक फी मोए सिग्ने, ठीक है मेरा समझ में आया हो या फिर नहीं आया हो, ये तो समझ में आ गया। देखो भाई स्पॉन होने के साथ साथ सामने ही तीन शिप भाई, ये मेरा अगर असली ये होता ना, क्या बोलते हैं सर्वाइवल वर्ल्ड, यहाँ पर भाई एकदम पूरा स्टार्ट होने के साथ साथ ही मैं भाई एक बेड बना सकता था, लेकिन ये तो मेरा वर्ल्ड नहीं है। लेकिन कोई नहीं, वो अंदर ही क्या है, जो भी है तो रुको, इस वर्ल्ड को थोड़ा लूटने देते हैं, इनको थोड़ा मारते हैं। ये देखो भाई, ये गड्ढा जो शॉट में दिखाया था ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है, लेकिन ज़्यादा गड्ढा नहीं, मतलब ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं है ये ठीक है। इसमें हमको डायमंड नहीं मिलने वाले, लेकिन हम डायमंड से करें भी क्या, लेकिन भाई ये उस शॉट में देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखो भाई वो गांव, और चारों तरफ एकदम पूरा बड़ा पहाड़। चलो इस गांव में जाते हैं, देखते हैं यहाँ पर इंसान मतलब विलेजर रहते हैं क्या। यहाँ पर थोड़ा तोड़ी फोरी भी कर लेते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन भाई ये करने में मेरे को मजा आ रहा है ठीक है। मेरे को ऐसे कैरेट मिला, और थोड़ा यहाँ पर फसल को तोड़ देते हैं, बहुत ही बढ़िया, ये मेरे को खाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर पीक्स है, बहुत ही बढ़िया, लेकिन विलेजर का है भाई यहाँ पर। ओ आयरन गोलम इनका रक्षक, बहुत ही बढ़िया, इसको भी थोड़ा मार लिया मैंने। और इसके अंदर क्या विलेजर है क्या, नहीं कुछ नहीं है। ओ यहाँ से मेरे को कंपास मिल गया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ले लिया ठीक है। अभी विलेजर का है भाई, विलेजर नहीं रहते क्या यहाँ पर। ओ दिखा दिखा, ये एक विलेजर दिखा फार्मर, और वहाँ पर भी एक दिखा, वो भी फार्मर है, इसको थोड़ा मार दिया मैंने, क्यों पता नहीं। ये देखो भाई, यहाँ से तुम लोग एक व्यू ले पा रहे हो, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऊपर जो है ना भाई चेरी ट्री है ना, इसलिए भाई ये और भी सुंदर लग रहा है। हाँ बहुत ही सुंदर सीढ़ी है भाई, तुम लोग भी चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ये
बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है भाई यहाँ पर कोई मीटर आके गिरा है और एकदम पूरा आसपास पहाड़ का जैसा कर लिया है और उसके बाद यहाँ पर विलेजर आके रहने लगे। लेकिन बहुत ही सुंदर लग रहा है, तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट सीन। सॉरी स्टो भाई साहब कितना सुंदर लग रहा है, लेकिन भाई वहाँ पर लिखा था 4.1.19.2, जाके देखते हैं अभी क्या हाल है इसका। भाई देखो यहाँ पर ये विलेज तो है, लेकिन वो गड्ढा कहाँ पर गया? वो गड्ढा ही तो भाई सब कुछ था, ये भाई 1.19.2 पे था, उसके बाद अभी मोजंग वालों ने ये इसको पानी से भर दिया। ये देखो भाई यहाँ पर वो गड्ढा था, यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही गहरा यह है, मतलब वहाँ पर काला काला देख सकते हो, लेकिन कोई नहीं अभी ये पानी से भर गया। लेकिन मैं आया हूँ, मेरे दिमाग में शैतानी बुद्धि आ रही है अभी, तो इसको मैं अभी इस विलेज पे ट्राई करने वाला हूँ। वेट, ये जो मैंने अभी हंसा ये मेरे को वुइच जैसी लगी भाई, मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। पिगलिंस और ये सारे मिलके भाई अभी इन विलेजर लोगों को मार रहे, जो मेरे को देखने में बहुत ही मजा आ रहा है। ये बंदर कितने देर टिकी का देखते हैं, अभी तक नहीं मरा भाई। और भाई ये भाई दौड़ कैसे रहा है, देखा कितना स्पीड था भाई इसके दौड़ने में। लेकिन यहाँ पर भाई मैंने बहुत सारे स्पॉन कर दिया है और ये विलेज अभी पूरा इनके हवाले है। लेकिन अभी इनको मारने के लिए मैं लाऊंगा, हाँ मैं अभी स्पॉन करूंगा भाई आयरन गोलम बहुत ही सारे। वेट, वहाँ पर भाई नहीं होगा, यहाँ पर भाई वो लोग सफोकेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भाई देखो मैं अभी करूंगा बहुत सारे आयरन गोलम को स्पॉन, और ये सभी लोग अभी मारेंगे इन पिगलिंस को। यहाँ पर देखो भाई मैंने एक बंदे को यहाँ पर ऊपर स्पॉन किया है, ये बंदा चाहे तो भाई इन सभी को मार सकता है, क्योंकि वो लोग इसको नहीं मार पाएंगे, लेकिन ये जरूर मार पाएगा क्योंकि उसके पास क्रॉस बॉय है। और यहाँ पर अभी तीन बंदे हैं, मैं और एक स्पून कर देता हूँ। वो भाई ऊपर भी भाई उछल दे रहे हैं, मतलब ये जो मार रहे हैं ना ये ऊपर तक भी आ रहे हैं भाई, बहुत ही बढ़िया। लेकिन नहीं, अभी नहीं मार पा रहे, और जो नीचे जाएगा वही मरेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई कितने सारे हैं बंदे भाई, बहुत ही बढ़िया। पेपर भाई बहुत सारे आयरन गोलम हो चुके हैं, तो इन लोगों को भी मारूंगा और साथ में मैं भी मर जाऊंगा, और मर गया। ठीक है अभी डल जाते हैं। तो अभी देखते हैं दूसरा शॉर्ट यहाँ पर, वो भाई फॉरगेटेन विलेज बहुत ही सुंदर है भाई, चारों तरफ बर्फ की पहाड़ और बीच में विलेज बहुत ही सुंदर लग रहा था। चलो अभी जाके देखते हैं कितना सुंदर लगता है। तो भाई मैं बहुत ही बढ़िया पॉइंट ऑफ व्यू पे आया हूँ, और यहाँ पर भाई देखने में वाकई बहुत ही सुंदर लग रहा है, और पीछे और भी है भाई, यहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। रुको भाई बहुत ही सुंदर लग रहा है। ओके यहाँ पर आई थिंक सी है, और यहाँ पर देखो भाई कुल, ओ यहाँ पर देखो भाई एक एमरल्ड भी है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इस तरफ देखो भाई इतना सुंदर लग रहा है, बर्फ से ढका हुआ पहाड़, और ये भाई विलेज आई थिंक लेक के ऊपर बना है भाई, देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है मेरे को। तुम लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। इस तरफ से देखो भाई ऐसा लग रहा है कि उस तरफ से कुछ आएगा इस तरफ, इसलिए यहाँ पर भाई ये जगह रखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया भाई। ओके तो अभी इस सीट में और दूसरा कुछ ख्याल रखने के लिए है नहीं, तो अभी हम दूसरे सीट में जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अभी दूसरा शो। भाई ये मेंशन है ना भाई, मेरे को मेंशन पे जाना है। मैं भाई बहुत ही पहले मेंशन पे गया था, मैंने मोबाइल में मेंशन पे गया था, और लैपटॉप में मैं अभी तक नहीं गया हूँ, तो मेरे को जाके देखना भाई कैसा होता है। नहीं होगा लेकिन फिर भी जाऊंगा। तो यार आप भाई वो विलेज तो मेंशन उसके पीछे वहाँ वहाँ पर दिखने लगा है, अभी तो चलो जाके मेंशन में देखते हैं। भाई ये बंदा वही है ना जो टोटम देता है, हाँ ये बंदा वही है। चलो मेरे को टोटम मिल गया। तो यहाँ पर देखो भाई मेरे को घूमते घूमते मिल चुका है गेट, और मैंने सुना है भाई इस मेंशन पे, वो भाई इस बिल्डिंग की तो पूछ भी है भाई, बहुत ही डिटेल से भाई इसमें। तो मैंने सुना है भाई यहाँ पर मेंशन के अंदर कुछ तो हमको मिलता है, तो मैंने बहुत पहले देखा था टेक्नो भाई को जलाते हुए सब कुछ, तो मैं भी आज सब कुछ में आग लगा दूंगा। तो भाई ये बिल्ली तो पूरा जलने को आई है, लेकिन इसके अंदर तो भाई कुछ है ही नहीं, मैंने तो देखा था भाई, मतलब मैं भूल गया, लेकिन किसी के अंदर तो भाई मतलब कुछ था वो, उसके अंदर तो भाई कुछ तो उनको मिला था, लेकिन मेरे को तो नहीं मिल रहा। लेकिन कोई नहीं, अभी चलो और एक जगह। यहाँ पर भाई मैं आ चुका हूँ चेस्ट रूम के अंदर, और यहाँ पर भाई मैंने इसके ऊपर लगा दिया है आग, और अभी ये तो भाई पूरा मेंशन ही आग, सॉरी यह का है लड़की का, लकड़ी का है, तो इसमें पूरा ही धर लेगा। अरे भाई यहाँ पर तो और एक चेस्ट रूम है, बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर भी आग लगा देते हैं, और यहाँ पर एंडर मैन भी है, लेकिन इसके वो भाई इसके ऊपर आग लग गई, लेकिन ये मेरे को अभी कुछ नहीं कर सकता और कुछ करेगा भी नहीं, क्योंकि मैं हूँ क्रिएटिव में, और इन चेस्ट के अंदर कुछ देख के भी फायदा नहीं है, क्योंकि इन सब के अंदर कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भाई मैं अब एकदम पूरा एंट्रेंस पे आग लगा देता हूँ, जिससे भाई वो लोग अगर जले, मतलब ये मॉब्स अगर जले, तो यहाँ पर बाहर ना सके, क्योंकि यहाँ पर भी आगे आगे रुक रुको इस स्केलेटन को मैं पकड़ता हूँ, इसके आसपास भाई आग लगा देता हूँ, जिससे भाई ये भाग ना पाए और आग पे पड़ के मर जाए, मतलब आग में मर जाए। और ये भाई भागने की कोशिश नहीं कर रहा, ओ यहाँ पर भाई बच चुका है, लेकिन नहीं यहाँ पर भी नहीं बच पाएगा, अभी तो कहाँ पर जाएगा वो भाई, इस तरफ पूरा आग लग गया भाई, और ये जो भाई कोबलस्टोन है ना, इसलिए यहाँ पर नहीं जा रहा। ओ यहाँ पर ये दोनों स्केलेटन को भी आग लगा के चले जाते हैं हम यहाँ से, और ये लाइब्रेरी भी अभी जल जाएगा। ओके कोई नहीं, यहाँ पर सिर्फ कोबलस्टोन ही बचे है, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर भाई क्यों नहीं आगे, लेकिन ओ भाई बाहर तो आगे नहीं है, मतलब ये ऊपर तो आगे नहीं है, रुक रुक भाई वहाँ पर जाके आग लगाना पड़ेगा मेरे को। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। यहाँ पर इन मुल्कों का क्या काम है भाई, आग लगा देते हैं मेरे को क्या। तो भाई मैंने अभी इस पूरे मेंशन पे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तो भाई पूरी जगह तो आग लगा दी, लेकिन भाई सिर्फ
लकड़ी जली है और चेस्ट भी भाई नहीं जली। मेरे को पता नहीं था भाई कि चेस्ट पे आग नहीं लगती, मेरे को आज पता चला। और ये सीट भाई इसलिए इतना क्रेजी है क्योंकि मैंने सुना है जो मेंशन है ना वो स्पॉन पॉइंट से 5000 ब्लॉक्स दूर स्पॉन होता है, लेकिन ये भाई बहुत ही पास है इसलिए आई थिंक ये सीट इतना क्रेजी है। और वेट, मैंने भाई अभी ध्यान दिया मेरा स्किन कहाँ पर है भाई, ये मैं कौन सा स्किन पहन के बैठा हूँ। लेकिन कोई नहीं, वीडियो भी खत्म है। तो गाइस तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कि तुम लोगों को कौन सा सीट सबसे अच्छा लगा, सुंदर लगा, क्रेजी लगा। तो गाइस यही था मेरा आज का वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, फिर फॉलो करना मिलते हैं, भाई।